जैन गुजरात की डायमंड सिटी सूरत में तक्षशिला कॉम्प्लेक्स में संचालित कोचिंग सेंटर में लगी आग के बाद हुए हृदय विदारक हादसे ने कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उज्जैन शहर के तंग गलियों में स्थित बहुमंजिला इमारतों में अनाधिकृत रूप से चल रहे कोचिंग सेंटर जिनमें सुरक्षा के मानक गायब है, वहीं दमकल पहुंचना भी मुश्किल है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने इस सेंटरों में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने के आदेश दिए। सरकार का कहना है कि फायर ब्रिगेड के एनओसी के बिना इनके संचालन पर रोक लगे। इसके बाद जिला प्रशासन की निंद्रा भंग हुई और शहर की कोचिंग सेंटरों के संचालकों को निर्देश दिए गए कि वे सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के बाद ही सेंटर संचालित करें। उल्लेखनीय है कि शहर में लगभग 200 से अधिक कोचिंग सेंटर अनाधिकृत रूप से संचालित हो रहे हैं। इस निर्देश के बाद इनके संचालकों की सांसें ऊपर नीचे होने लगी है। ऐसे में कोचिंग संचालकों का एक दल दक्षिण विधायक मोहन यादव के नेतृत्व में कलेक्टर से मिलने पहुंचा, जहां कंट्रोल रूम पर यादव ने उन्हें आश्वासन की गुट्टी पिलाई। इस संबंध में कलेक्टर शशांक मिश्रा ने बताया कि कोचिंग संचालकों को सेंटर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। लगभग 140 से 150 कोचिंग सेंटर संचालकों ने इंतजाम की बात कही है। इसको लेकर नगर निगम की एक टीम जांच करेगी और एनओसी देगी, इसके बाद ही सेंटर चालू हो सकेंगे। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। इस तरह की कोचिंग क्लास की बैठक ली गई? कोचिंग क्लासेज वालों की कोई बैठक नहीं ली गई, वो ज्ञापन देने आए थे। उनका ये कहना था कि हम लोगों ने कुछ व्यवस्थाएँ कर ली हैं जो रिक्वायर्ड थी, कुछ ऐसा कोचिंग क्लासेज का कहना था। और कुछ कोचिंग क्लासेज का ऐसा कहना था कि हमको कुछ समय लगेगा तो कृपया हमको दूसरे में दिया जाए। हमने स्पष्ट रूप से उनको निर्देशित किया क्योंकि अब हमारे जानकारी में आ चुकी है कि उनके यहाँ व्यवस्थाएँ की कुछ कमियाँ थी, तो जब तक वो कमियाँ अपनी पूरी नहीं कर सकते, उनके कोचिंग क्लासेस को आगे कंटिन्यू होना अलाउ नहीं कर सकते जब तक वो अपनी व्यवस्थाएं पूरी नहीं कर सकते। कोचिंग क्लासेस संचालक का कहना है कि मैं उनको स्पष्ट रूप से बता चुका हूँ कि कोचिंग क्लासेस में जब तक वो व्यवस्थाएं अपनी नहीं कर लेते, हम इसमें किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं ले सकते। बच्चों की जान हमारे लिए सबसे कीमती है। कल को कोई भी घटना हो गई तो उसमें बड़े इश्यूज आएंगे कि भाई क्यों वो चला रहे थे कोचिंग क्लासेस। तो वो व्यवस्थाएं कर लें, द मोमेंट वो अपनी व्यवस्थाएं कर लेते हैं, वो नगर निगम को सूचित करें, नगर निगम की टीम विजिट कर लेगी, नगर निगम की टीम रुक के पाती है, लेकिन कंटिन्यू। सर कितनी कोचिंग क्लासेस है इसको अभी? टोटल कितनी कोचिंग क्लासेस? 115 कोचिंग क्लासेस हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है।